नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। जिम्बाब्वे में खेले जा रहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में यूएसए की टीम को एक बड़ा झटका लग गया है। आईसीसी ने यूएसए के तेज गेंदबाज काइल फिलिप को इंटरनेशनल क्रिकेट से गेंदबाजी करने से सस्पेंड कर दिया है। आखिर क्यों आईसीसी ने ऐसा फैसला लिया है, आइए जानते हैं। 26 साल के काइल फिलिप यूएसए की टीम से वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचों में खेलते हुए दिखे हैं और आईसीसी का मानना है कि फिलिप का बॉलिंग एक्शन आईसीसी के नियमों के तहत लीगल नहीं है। 18 जून को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में मैच ऑफिशियल्स ने आईसीसी को दिए अपने बयान में कहा कि यूएसए के तेज गेंदबाज काइल फिलिप के बॉलिंग एक्शन की फुटेज को देखा गया और उसमें पाया गया है कि उनका एक्शन लीगल नहीं है, जिसके बाद आईसीसी ने आर्टिकल 6.7 नियम के तहत उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करने से सस्पेंड कर दिया है। काइल फिलिप के ऊपर यह सस्पेंशन तब तक के लिए है जब तक वो अपने एक्शन में सुधार नहीं कर लेते हैं, और जब वो अपने एक्शन में सुधार कर लेंगे तब फिर से एक बार उनके एक्शन को जांच आईसीसी करेगी और जब उन्हें एक्शन लीगल लगेगा तब काइल फिलिप को इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करने की अनुमति मिलेगी। बता दें कि काइल फिलिप ने यूएसए के लिए अब तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं और 6 विकेट हासिल किए हैं। वहीं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में 9.3 ओवर में 56 रन देकर उन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।